हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल. मैं हूँ सोनिया और आज का वीडियो एक बॉटम वियर हॉल होने वाला है. सो ये जितना भी मैंने परचेज़ किया है सब फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया है एंड ये सब मुझे सुपर 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 डिस्काउंटेड प्राइस में मिले एंड ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है. सो इसके साथ ही मुझे लगता है कि आप लोगों को इनमें से कुछ ना कुछ ज़रूर पसंद आने वाला है. एंड ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें. एंड ऑल्सो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब it right now. That mean a world to me. Thank you so much. So फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं. जो पहले मैंने परचेज़ किया वो ये ब्लैक कलर का ट्राउज़र है. दिस इज़ फ्रॉम दी ब्रांड वैन हुज़ेन एंड इसका प्रोडक्ट जो है मुझे बहुत अच्छा लगा. मतलब द क्वालिटी इज़ सुपर, द मटेरियल इज़ सुपर. तो ये आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है. फ्रंट में आपको बेल्ट मिल रही है एंड पीछे आपको ये से इलास्टिक मिल रही है. ठीक है, आपको यहाँ तक बेल्ट मिल जाती है एंड देन यहाँ से इलास्टिक स्टार्ट हो रही है. फ्रंट में आपको दो प्लेट्स मिल जाएंगे एंड पूरा ये आपको फुल लेंथ मिल रहा है. इसके जो लेग्स हैं वो वाइड लेग्स हैं. मैं आपको इसका वाइडनेस दिखा देती हूँ. इतना वाइड लेग है बट जब आप इसको पहनते हैं देन तो ये बहुत ही अच्छा लगता है. बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक देता है. ये आप फॉर्मल वेयर के लिए रख सकते हैं. लाइक इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग फॉर योर ऑफिस वेयर आई वुड हाईली रिकमेंड दिस वन बिकॉज ये बहुत ही वर्सेटाइल है और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप इसको पहनते हैं. तो फिर उसके बाद जो मैंने परचेज़ किया वो ये मस्टर्ड और लाइट ब्राउन यू कैन से वैसा है. सो इसमें भी आपको फ्रंट में ऐसा बेल्ट मिलता है. यहाँ पे आपको टाई अप करने के लिए बेल्ट मिलता है. मैं आपको बेल्ट दिखाती हूँ. ऐसा टाई अप करने के लिए आपको बेल्ट मिल जाता है. फ्रंट में आपको हुक मिल रहा है. ठीक है, फिर उसके बाद ये फ्रंट जिप भी मिल रही है. ये फ्रंट जिप मिल जाती है आपको. एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपको दो प्लेट्स मिल रही हैं. इसका जो लेग्स हैं वो ज़्यादा लंबे नहीं है. मतलब ये आपको एंकल लेंथ तक आएगा तो ये बहुत ही अच्छा लुक देता है. एंड जो इसके लेग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वाइड हैं. मतलब इतने वाइड हैं तो जब आप इसको पहनते हो थोड़ा सा स्कर्ट लुक भी देता है बिकॉज ऑफ दिस वाइड लेग्स. एंड ऑल्सो अगर आप चाहो तो इसको क्रॉप टॉप के साथ पेयर कर सकते हो. अदरवाइज यू जस्ट रिमूव द बेल्ट एंड आप इसको किसी कुर्ती के साथ भी पेयर कर सकते हो. उसके साथ भी ये बहुत अच्छा लगेगा. लाइक यू कैन डू योर DIY. फिर उसके बाद जो मैंने लिया वो ये लाइट ब्लू कलर में ट्राउज़र लिया है. ठीक है, सो ये ट्राउज़र जो है आपको कुछ इस तरीके से मिल रहा है. फ्रंट में बेल्ट है एंड देन यहाँ पे भी आपको फ्रंट में ऐसे दो टाई करने के लिए ऐसे बेल्ट मिल जाते हैं. साइड में आपको जिप मिल रही है सो दैट इट इज़ ईजी एंड कम्फर्टेबल टू वेयर दिस. फिर आपको फ्रंट में प्लेट्स मिल रही हैं एंड देन जो ये प्लेट्स है प्लेट्स में आपको साथ में बहुत ही अच्छा बड़ा वाला कट मिल रहा है. सो ऐसा नहीं है कि ये कट आपका शो करेगा. मतलब व्हेन यू वॉक तभी ये थोड़ा सा शो करेगा. अदरवाइज ये कुछ इस तरीके से आ रहा है. आई होप ये विजिबल है. ठीक है ना, तो ये कुछ इस तरीके से आपको कट मिल जाता है. पूरा लंबा कट है जो कि आपके आई गेस थाई लेंथ से स्टार्ट होता है एंड नीचे एंकल लेंथ तक कट आता है. इसका भी जो लेग्स है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड लेग्स हैं. मतलब ये बहुत ही अच्छा लगता है पहनने के बाद. एंड आई रियली लव द कलर. लाइक इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी समर आउटफिट जिसमें कि आपको कुछ ट्राउज़र के साथ कुछ पेयर करना हो देन आप ये ट्राई कर सकते हैं बिकॉज द कलर इज़ वेरी सूदिंग एंड इट इज़ बेस्ट फॉर एनी समर आउटफिट. के बाद आ जाता है ये बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल सा ट्राउज़र जो कि आई गेस पॉलिस्टर कपड़े में है. तो यहाँ पे भी आपको फ्रंट में बेल्ट मिल रही है एंड पीछे इलास्टिक मिल रही है. इसका जो कपड़ा है बहुत ही अच्छा, बहुत ही यू नो स्मूथ सा है. यहाँ पे आपको डार्क ब्लू बेस मिल जाता है और उसके ऊपर आपको वर्टिकल जो है स्ट्राइप्स मिल रही हैं. वाइट एंड मरून कलर में स्ट्राइप्स मिल जाती हैं. इसकी जो लेग्स हैं वो ज़्यादा वाइड नहीं है बट इट इज़ वेरी कम्फर्टेबल टू वेयर दिस वन एंड ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है. सो अगर आप चाहो तो इसको वाइट कलर के टॉप के साथ, ब्लू कलर के टॉप के साथ या ब्लैक कलर के टॉप के साथ पेयर कर सकते हो. अदरवाइज़ यू कैन यूज़ दिस एज अ प्लाजो पैंट ऑल्सो. उसके उसमें भी ये बहुत ही अच्छा लुक देगा. लाइक अपनी कुर्ती के साथ भी आप इसको पेयर कर सकते हैं. फिर उसके बाद आ जाता है ये ब्यूटिफुल सा ट्राउज़र जो कि ग्रे, जो कि ब्लूइश ग्रे कलर में है आई गेस. हाँ, कुछ ऐसा ही कलर है इसका. तो ये आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है. इसका जो लेंथ है आई गेस ये कैप्री लेंथ है, ज़्यादा लंबा नहीं है. सो इसमें भी आपको सामने ऐसे बेल्ट मिल जाता है एंड पीछे इलास्टिक मिल जाता है. फ्रंट में भी टाई अप करने के लिए बेल्ट मिल रहा है एंड देन प्लेट्स मिल रही हैं आपको साइड में. फिर उसके बाद जो है
इसका जो लेंथ है ये आपको थोड़ा सा, जैसे कि मैंने बोला, ये कैप्री लेंथ में आपको मिल जाता है. यू कैन वेयर दिस इन योर ऑफिस. ऑफिस में ये बहुत अच्छा लुक देगा. लाइक यू पेयर इट विद योर ब्लेजर एंड हाई हील्स, उसके साथ तो ये ऑसम लगने वाला. सो उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने परचेज किया वो ये लाइट ब्लू कलर का ट्राउजर, जिसके ऊपर आपको ये पेपर बैग टाइप का पैटर्न मिल जाता है. फिर बेल्ट मिल रही है, नो शो जिप भी मिल रही है साइड में, एंड देन दिस टाई अप बेल्ट मिल रहा है. फ्रंट में आपको प्लेट्स मिल जाते हैं, एंड ट्राउजर को थोड़ा हाई वेस्ट डालेंगे तो ये आपका यू नो एंकल लेंथ तक आएगा. मतलब इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी अच्छी है, एंड जो लेग्स हैं उसके वो भी काफ़ी ज़्यादा वाइड हैं. बहुत ही अच्छा ये लुक देता है. लाइक ये भी थोड़ा सा समर लुक के लिए बहुत अच्छा कलर रहेगा. अगर आप चाहो तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा, एंड ऑल्सो द पैटर्न इज क्वाइट गुड. इसका जो बॉटम है वो भी बहुत अच्छा है. मतलब ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो ये लुक जो है आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है. इसके साथ ही जो मैंने परचेज किया वो सेम पैटर्न में मिल जाएगा आपको. ये मैं दिखा देती हूँ, बिल्कुल सेम है. द कलर इज़ डिफरेंट, लाइक दिस इज़ अ लिटिल लाइट ब्लू और ये थोड़ा सा डार्क ब्लू है. ये पूरा पैटर्न जो है, फ्रंट पैटर्न पूरा सेम है. यहाँ पे आपको जिप मिल रही है, बेल्ट मिल रहा है, प्लेट्स भी पैटर्न सेम है. द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे आपको लेग्स में जो है साइड स्लिट मिल रहा है, लेकिन बोथ द लेग्स यू आर गेटिंग साइड स्लिट, जो कि बहुत अच्छा लगता है. इन दोनों में से आप चूज कर सकते हैं. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग जहाँ पे आपको ट्राउजर में साइड स्लिट मिले, गो फॉर दिस वन. अदरवाइज आपको नॉर्मल चाहिए तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हैं. मतलब ये दोनों ही अच्छे हैं, डिपेंडिंग अपॉन लाइक वॉट यू लाइक, आप उसके अकॉर्डिंग इसको परचेज कर सकते हैं. बट ये दोनों के दोनों बहुत अच्छे हैं. इनका मटीरियल भी बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट सा मटीरियल है और बहुत ही अच्छा लगता है पहनने में. एंड देन फिर ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैंने लिया वो ये था, जो कि मुझे इतना अच्छा नहीं लगा. मैंने इसको ब्लैक कलर के टॉप के साथ पेयर किया, बट आई गेस वो उसके साथ इतना अच्छा स्टैंड आउट नहीं हो रहा था. पहले मैं आपको ट्राउज़र के बारे में बता देती हूँ. यहाँ पे आपको इलास्टिक मिल रही है, उसके बाद ये ब्लू कलर का पूरा ट्राउज़र है. साइड में आपको वाइट कलर के ऐसे स्ट्राइप मिल जाएंगे दोनों साइड में. एंड देन ये आपको जो छोटे छोटे ब्लैक कलर के ये दिख रहे हैं, ये बटन्स हैं. सो ये जो बटन्स हैं ये आपको ओपन हो जाते हैं, ठीक है. हाँ, सो आई गेस आपको 1, 2, 3, 4 बटन्स तक आप इसको ओपन कर सकते हैं. यहाँ तक ये ओपन हो जाएगा. फिर आप चाहो तो इसका स्लिट जो है वो छोटा भी कर सकते हो, लाइक आप इसको बंद कर सकते हो, ये बटन्स जो हैं वो बंद हो जाएंगे. आप इसको पूरा एज अ ट्राउज़र भी पहन सकते हो. मैं यही रेकमेंड करूँगी कि इसको आप किसी वाइट कलर के टॉप के साथ पेयर करना विद वाइट स्नीकर्स, उसके और फिर उसके बाद आप स्लिट जो चाहो वो छोटा बड़ा कर सकते हो. क्योंकि मतलब मुझे ब्लैक के साथ इतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मुझे लगता है ये जो लुक है वो वाइट के साथ बहुत अच्छा लगेगा. सो अगर आप वो लुक ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ ये मुझे इतना अच्छा स्टैंड आउट नहीं लगा ब्लैक टॉप के साथ. That was all for my today's video. I'll drop the link for all the trousers in the description box below. इन सब में मेरा जो साइज़ है वो थोड़ा सा डिफ़र करता है. किसी में मेरा स्मॉल साइज़ है और किसी में मेरा मीडियम साइज़ है. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के साथ अपना साइज़ भी मैंशन कर दूँगी, सो दैट इट इज़ ईजी फॉर यू गाइज ऑल्सो. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे बताना बाई हिटिंग द लाइक बटन. थैंक यू सो मच.